So hello dear students, now today we are discussing about the numericals of the preparation of haloalkanes, haloarenes. जैसा कि last lecture में हम लोगों ने ख़त्म किया था बेटा किसके बारे में haloalkanes और haloarenes के preparations. तो अब उन preparation से related मैंने कहा था आप लोग preparation अच्छे से पढ़ के रखिएगा और उनसे related जितने numericals हैं हम लोग in-text question के वो लोग हम लोग कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे next topic की ओर बढ़ेंगे physical properties of haloalkane and haloarene, है ना. तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल चार टॉपिक पढ़ने होते हैं, बताया था मैंने, एक या तो प्रिपरेशन, एक उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, एक उसका केमिकल प्रॉपर्टी और एक उसका यूजेस. तो आओ हम लोग देखते हैं बेटा आज हमें क्या करने थे, न्यूमेरिकल्स करने थे. और न्यूमेरिकल्स कौन से न्यूमेरिकल्स, आपके इनटेक्स्ट क्वेश्चन के. तो आप एनसीईआरटी की बुक साथ में लेकर बैठना, ठीक है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन के एनसीईआरटी की बुक साथ में लेकर चलना और साथ में लेकर चलना, ठीक है, ताकि मैं क्वेश्चन बोलता रहूं और आप वहां से क्वेश्चन मैच करा लो. तो देखो बेटा इनटेक्स्ट क्वेश्चन है 10.3. क्या चीज़, इनटेक्स्ट क्वेश्चन 10.3, इनटेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल का 10.3 क्वेश्चन, ठीक है ना. आज लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्लास से मैं पीपीटी बनाकर ही इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना. तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 10.3, बोला है कि आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर. क्या बोला है, identify all the possible monochloro structure, identify all the possible monochloro structure, ठीक है, identify all the possible, आप book open करके आप match करा सकते हैं, monochloro structure isomers expected to be formed ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है ना. क्या बोला है, मैं बोल देता हूँ, राइट द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन on free radical monochlorination of CH3 का whole twice CH2 CH3, ठीक है ना. इसके सारे possible monochloro product लिखने हैं ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन. बेटा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हमने पढ़ाया था, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा था, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग फ्री रेडिकल का एडिशन कराते हैं. तो आओ हम लोग देखते हैं बेटा कि आपका यहाँ पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन बोला है कि राइट ऑल द पॉसिबल, ठीक है, identify all the possible monochloro structure isomers expected to be formed on free radical monochlorination of this compound. तो आइए ये जो compound है ना, इस compound का पहले हम लोग structure बना लेते हैं बेटा. तो इस compound का structure बनाओगे, देखो CH3 का whole twice है और ये CH है, तो ये रहा CH और CH3 का whole twice का मतलब यहाँ पास कितने CH3, दो CH3, फिर उसके बाद क्या है बेटा CH2 और फिर क्या है यहाँ पास CH3. इसके सारे क्या लिखने हैं, मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर जब इसका फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन कराया जाए, यानी यहाँ पास क्लोरिनेशन करा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में. तो आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन अटैच करना है. तो आओ देखते हैं हम लोग कितने प्रोडक्ट बनते हैं. एक यहाँ से हाइड्रोजन हट सकता है, क्लोरीन लग सकता है, एक यहाँ से हाइड्रोजन हट सकता है, क्लोरीन लग सकता है, एक यहाँ से हाइड्रोजन हट सकता है, क्लोरीन लग सकता है, और एक या इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन लग सकता है. तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे आओ चेक कर लेते हैं. सबसे पहला है CH3, ये रहा CH, इसको ऐसे ही लिख दो, यहाँ पास ये रहा आपका CH2, ठीक है, फिर है ये आपका क्या चीज़ CH2Cl, आ रही बात समझ में. ये पहला प्रोडक्ट बना और प्लस यहाँ पास प्रोडक्ट क्या देगा बेटा HCl. दूसरा यहाँ का हाइड्रोजन हटा सकते हो CH3, CH, CH3, फिर यहाँ पास ये रहा CH और ये रहा CH3, यहाँ पास क्या एक क्लोरीन यहाँ अटैच कर सकते हो प्लस HCl, ये रहा आपका दूसरा प्रोडक्ट. तीसरा आप यहाँ का हाइड्रोजन हटा सकते हो, ये देखिए
तो यहाँ पास ये रहा सी एच थ्री सी सी एच थ्री, यहाँ पास ये रहा सी एच टू और ये रहा सी एच थ्री, यहाँ क्लोरीन अटैच हो गया, सही है ना। और फिर एक आप यहाँ इन दोनों में से कोई का भी हटा सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ यहाँ दोनों हटाकर क्लोरीन जोड़ोगे तो आप चेक कर लेना दोनों जगह आईपीसी नेमिंग सेम आएगी, और आईपीसी नेमिंग सेम आने का मतलब वहाँ पास स्ट्रक्चर क्या है बेटा, सेम है। तो यानी यहाँ पास ये देखो यहाँ का क्लोरीन हटा दो, ठीक है ना। जब यहाँ का क्लोरीन हटाओगे तो ये देखो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा सी एच टू सी सी एच थ्री सी एच थ्री और ये रहा सी एच थ्री, ये रहा सी एच, यहाँ पास ये रहा क्लोरीन, ठीक है ना। तो कितने प्रोडक्ट बने यहाँ पास, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बेटा, चार, एक दो तीन और चार। ये रहा आपका पहला एग्जांपल, किससे, प्रिपरेशन से रिलेटेड, कौन सा है एग्जांपल का 10.3 एनसीईआरटी की बुक ओपन करके आप उसको मैच कराते चलिए, टिक करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइए देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पास आपका प्रिपरेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेक्स्ट क्वेश्चन 10.4, क्या बेटा इंटेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी एग्जांपल का ही है, एग्जांपल का ही क्वेश्चन नंबर 10.4, एग्जांपल का ही क्वेश्चन नंबर क्या 10.4 बोला है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। क्या बेटा, राइट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन लिखना है। हम लोग जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते चलेंगे ना बेटा, वैसे वैसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको छांट के करते चलेंगे, ताकि हमारा टॉपिक के साथ साथ हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। कैसे क्वेश्चन अप्लाई करना है, कैसे उन क्वेश्चंस को करना है उसको देखेंगे। यहाँ पास ये देख बेटा, पहला है यहाँ पास ये है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रखा है। यहाँ पास ये रहा हाइड्रोजन, यहाँ पास भी हाइड्रोजन, यहाँ पास भी हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, किसका रिएक्शन करा रहे हो बेटा, HBr का रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है ना। सेकंड है यहाँ पास, लिख लेते हैं, सेकंड है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या होगा HCl, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पास दिया हुआ है, क्या चीज़, इस तरीके से बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में यहाँ पास ये क्या है CH2 और फिर यहाँ पास ये क्या है CH डबल बॉन्ड, ठीक है ना, CH2 और प्लस हमने क्या कराया HBr का एडिशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज़ पर ऑक्साइड, यहाँ पास क्या लिखा है बेटा पर ऑक्साइड लिखा है। ये तीन क्वेश्चन हैं आपके एग्जांपल के 10.4 के, अभी एग्जांपल नंबर 10.3 देखा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पास तो आप ध्यान से देखो, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन, तुम ध्यान से देखो, ये एल्कीन है और ये हाइड्रोजन हैलाइड है, ये एल्कीन है हाइड्रोजन हैलाइड है, एल्कीन है हाइड्रोजन हैलाइड है, यहाँ पर ऑक्साइड लगा है। हमने एल्कीन में एडिशन कराया था हाइड्रोजन हैलाइड का, कल ही हमने टॉपिक देखा था, ठीक है, कि यहाँ पास जब एल्कीन में हम लोगों ने हाइड्रोजन हैलाइड का जब एडिशन कराया था ना, तो यहाँ पास मार्कोनिफ रूल काम करता है। हमने कहा था निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, ये रहा डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है ना, निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन दो है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास। तो यानी यहाँ पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा, ये देखो यहाँ पास ये रहा डबल बॉन्ड किस में टूट जाएगा, सिंगल में, डबल बॉन्ड किस में टूट जाएगा सिंगल में, निगेटिव पार्ट कहाँ अटैच हो जाएगा यहाँ पास, और पॉजिटिव क्या होगा बगल वाले के पास आ गया, ये रहा आपका पहले का आंसर। नेक्स्ट यहाँ पास भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा मार्कोनिफ रूल का, निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये रहा, इसके बगल वाले पर क्या चला जाएगा हाइड्रोजन, यानी यहाँ पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ पास ये रहा CH, ये रहा CH2, निगेटिव पार्ट आपका यहाँ चला गया और पॉजिटिव क्या होगा यहाँ चला आया, आ रही बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पास तीसरा है, यहाँ पास आप ध्यान से देखो एरो के ऊपर पर ऑक्साइड लग गया बेटा, मैंने कहा था कि एरो के ऊपर अगर पर ऑक्साइड लग जाएगा तो वहाँ पास मार्कोनिफ नहीं एंटी मार्कोनिफ रूल लगाएंगे, तब यहाँ पास ये जो निगेटिव पार्ट है, ये देखो ब्रोमीन है निगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्डेड कार्बन में हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास, और ये रहा ये, ठीक है। तो यानी यहाँ पास ये देखो ये कुछ इस तरीके से बेंजीन रिंग, फिर यहाँ पास ये क्या है CH2, फिर यहाँ पास ये है C डबल बॉन्ड OCH2, ना ना डबल बॉन्ड को हमें हटाना है, डबल बॉन्ड किस में टूट जाता है
आपका सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो डबल बॉन्ड सिंगल में टूटा, ये रहा हाइड्रोजन, निगेटिव पार्ट हाइयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास गया और हाइड्रोजन बगल वाले के पास, ये रहे आपके एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो ये 10.4 क्वेश्चन रहा एनसीईआरटी का, ठीक है, एग्जाम्पल का 10.4 क्वेश्चन। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है ना। इंटेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग किधर आ रहे हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। अगर हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है 10.2। क्या है बेटा 10.2 बोला है, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड, आप बुक में देखो ध्यान से, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ KI। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग जब एल्कोहल का KI से कराते हैं तो हम लोग H2SO4 का इस्तेमाल, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग क्यों नहीं करते। इसका आंसर मैंने बताया था बेटा कि सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम लोग यहाँ पास क्या इस्तेमाल करते हैं, H3PO4। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग KI के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल का, तो आयोडीन बींग वेरी हाईली रिएक्टिव H2SO4 के प्रेजेंस में, यहाँ पास आयोडीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन गैस में, ठीक है ना। इस वजह से हम लोग H2SO4 ना इस्तेमाल कर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, H3PO4 इस्तेमाल करते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने बताया भी था कि ये क्वेश्चन लगा हुआ है NCERT में, जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था एल्कोहल का, फ्रॉम एल्कोहल से हमने प्रिपरेशन कराया था हेलो एल्केन का। नेक्स्ट बोला है राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव। क्या है क्वेश्चन, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये देखो, हम लोग स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, किसके डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स के, प्रोपेन के। तो ये देखो, प्रोपेन पहले बना लो, प्रोपेन का डाई हेलोजन बना दो, तो प्रोपेन मतलब ये रहा एक, ये रहा प्रोपेन। डाई हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब है कि दो हेलोजन लग जाए, ठीक है ना। तो कितने डेरिवेटिव इस तरह के बनेंगे इससे, आओ ये देखते हैं। तो यहाँ पास ये देखो, डाई हेलोजन लगाओ, एक कंडीशन ये है, ये रहा CH3CH2 और यहाँ पास ये रहा CH, यहाँ दो हाइड्रोजन हटाकर दो क्लोरीन आप यहाँ लगा दो, ठीक है ना, ये एक पहला प्रोडक्ट बना। दूसरा कंडीशन CH3 है CH और ये रहा CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया हटाया, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हेलोजन यहाँ से, एक हेलोजन यहाँ से अटैच हो सकता है, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन ये है कि CH3, अब यहाँ पास हेलोजन को बीच वाले पर दोनों पर ले जाओ, तो ये रहा CH3, दो हाइड्रोजन हटाकर यहाँ ये हेलोजन लगा दिया, ये हेलोजन लगा दिया, तो एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट, चौथा देखो यहाँ पास। अब एक कंडीशन और है कि यहाँ पास CH2 लिख दें, यहाँ पास ये रहा क्लोरीन और यहाँ पास ये रहा क्लोरीन, ठीक है ना। इस तरीके से टोटल कितने प्रोडक्ट बन गए, चार, एक ये, दो ये, तीन ये और ये चार, ठीक है। तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव बनाना था प्रोपेन का, दो हेलोजन अटैच कराना है, इस तरह से अटैच कराना है हर बार कि आपका सेम स्ट्रक्चर रिपीट ना हो। तो इस तरह से जब हमने अटैच कराया तो यहाँ पास कितने, चार प्रोडक्ट बने बेटा, एक, दो, तीन और क्या चीज़, चार। तो ये रहे आपके डाई हेलोजन डेरिवेटिव और क्वेश्चन नंबर 10.3, ठीक है ना। ये सारे बेटा क्वेश्चन किसके हैं, प्रिपरेशन के हैं, सारे क्वेश्चन किसके हैं, प्रिपरेशन के हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 10.4, ठीक है। आप साथ में चलते चलिए, आप प्रैक्टिस करते चलिए क्वेश्चन की। मैं सारे न्यूमेरिकल्स आपको NCERT के एक एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ पास कराऊँगा, ठीक है ना, आपको कभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10.4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10.4 बोला है एमंग द आइसोमेरिक अल्केन ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला, क्या बोला है, एमंग आइसोमेरिक अल्केन ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला, आइसोमेरिक अल्केन ऑफ क्या, ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला, ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन, दैट ऑन
क्या? फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। आप एनसीईआरटी की बुक है, मैच कराते चलिएगा। फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स, यील्ड्स मतलब प्रोड्यूस कर रहा है। पहला है अ सिंगल मोनोक्लोराइड, अ सिंगल मोनो क्या चीज क्लोराइड। सेकंड है यहाँ पास आपका थ्री आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, थ्री आइसोमेरिक मोनो क्लोराइड। थर्ड क्या है यहाँ पास, थर्ड है आपका क्या चीज़, फोर आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। क्या बेटा? फोर आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, ठीक है ना। ये सब आपके एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स हैं, आइए देखते हैं हम लोग। तो बेटा यहाँ पास ध्यान से देखो तुम, तो बोला है कि आइसोमेरिक एल्केन ऑफ द मॉलिकुलर फार्मूला क्या, C5H12। आइसोमेरिक एल्केन ऑफ द मॉलिकुलर फार्मूला क्या, C5H12। तो अगर हम लोग C5H12 की बात करेंगे तो C5H12 मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है ना, का आइसोमेरिक एल्केन मतलब इसका आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बना लो। उसमें से हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन, जिसका हम लोग फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन कराएं। इसका मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में हम लोग क्या कराएं, क्लोरीन से रिएक्शन कराएं, तो प्रोड्यूस करेगा सिंगल मोनोक्लोराइड, तीन मोनोक्लोराइड और चार मोनोक्लोराइड। और चेक करते हैं सब। तो सबसे पहले एक काम कर लो, सबसे पहले यहाँ पास क्या कर लो आप, इसका पहले आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाओ। तो C5H12 का मतलब है कितने कार्बन बेटा, चार कार्बन, पांच कार्बन विथ सिंगल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है ना। चलो तो इसका हमें क्या करना है, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो एक ये रहा, दूसरा आपका ब्रांचिंग कर दो इसकी, ये रहा, और तीसरा क्या रहा आपका बेटा, ये रहा। यही तीनों हैं आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिकुलर फार्मूला C5H12। तो इसका आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सिंगल मोनोक्लोराइड देगा, कौन सा थ्री मोनोक्लोराइड देगा और कौन सा फोर मोनोक्लोराइड देगा। तो और चेक करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, तो यानी यहाँ पास अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये देखो, इन तीनों में आप पहले वाला लो, तो ये देखो एक दो तीन चार और पाँच क्या करा दें बेटा, क्लोरीनेशन किसके प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में हम क्या कराने जा रहे हैं, क्या कराने जा रहे हैं, क्लोरीनेशन। किसके प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट। अब देखो अगर हम लोग क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्लोरीन कहाँ कहाँ लग सकता है, देखो प्रोडक्ट देखो, एक दो तीन चार और पाँच, एक क्लोरीन तुम्हारा यहाँ लग सकता है, लग सकता है। दूसरा एक दो तीन चार पाँच, ठीक है ना, एक क्लोरीन आपका यहाँ लग सकता है। और तीसरा एक दो तीन चार पाँच, एक क्लोरीन क्या हो सकता है, यहाँ लग सकता है। अगर यहाँ से यहाँ फिर से ले जाओगे तो देखो सेम स्ट्रक्चर ये वाला रिपीट हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पास कितने प्रोडक्ट बने बेटा, तीन प्रोडक्ट बने। कितने बने, तीन प्रोडक्ट बने। तो इसमें से बोला था कि जो आइसोमेरिक एल्केन ऑफ द मॉलिकुलर फार्मूला C5H12 बना रहे हो, इसमें से कौन सा तीन मोनोक्लोराइड देगा। तो इसका आंसर ये रहा, ये वाला क्या देगा, ये थ्री मोनोक्लोराइड देगा। क्या देगा बेटा, थ्री मोनोक्लोराइड देगा। देखो था ना बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो सेकंड वाला क्या है, एक दो तीन चार, आओ इसमें हम लोग क्लोरीनेशन कराते हैं। किसके प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में। तो क्लोरीन कहाँ कहाँ लग सकता है, एक दो तीन चार, ये रहा कार्बन, एक क्लोरीन यहाँ लग सकता है, लगा लो। दूसरा बेटा, दूसरा आपका एक दो तीन चार पाँच, एक क्लोरीन यहाँ लग सकता है, ठीक है ना। तीसरा देखो ध्यान से, ठीक है, तीसरा देखो ध्यान से, एक दो तीन चार पाँच, एक क्लोरीन भैया यहाँ लगा दिया तुमने, एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया, तीसरा क्लोरीन आप यहाँ लगा सकते हो, लगा दिया। और चौथा क्लोरीन आप कहाँ लगा सकते हो, एक दो तीन चार पाँच, और चौथा क्लोरीन यहाँ लगा सकते हो। तो ये जो चारों हैं, ये देखो आप, आपको अगर बहुत कंफ्यूजन है तो जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो ना उसकी नेमिंग करो। नेमिंग करोगे अगर कोई नेमिंग अगर सेम आ गई तो समझ लेना स्ट्रक्चर दोनों क्या है बेटा, सेम है। तो यहाँ आपने देखा कि इससे कितने प्रोडक्ट मिले, इससे चार प्रोडक्ट मिले। तो कौन सा फोर मोनोक्लोराइड बनाएगा, ये रहा, ये वाला आइसोमेरिक स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, फोर मोनोक्लोराइड बनाएगा, ठीक है। आओ अब देखते हैं, ठीक है ना, ये वाला। अब देखो यहाँ पास अगर हम लोग इसकी बात करें बेटा, ध्यान से देखो, अगर ये वाले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें
तो ये रहा आपके पास एक दो, इसका हम लोग क्या कराने जा रहे हैं, क्लोरीनेशन कराने जा रहे हैं, क्या कराने जा रहे हैं, क्लोरीनेशन कराने जा रहे हैं। तो क्लोरीनेशन अगर तुम कराओगे, ठीक है ना, तो क्लोरीनेशन किसके प्रेजेंस में कराओगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में, सही है ना। तो क्लोरीनेशन कराओगे तो चाहे यहाँ लगाओ क्लोरीन, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, बात एक ही है। तो सब तरफ से क्या होगा, आप देखो ध्यान से, कहीं भी लगाओगे तो आपका ये क्या होगा, एक ही स्ट्रक्चर देगा। तो ये वाला जो है ये क्या दे रहा है बेटा, सिंगल मोनोक्लोराइड दे रहा है, क्या दे रहा है, सिंगल मोनोक्लोराइड दे रहा है। तो मॉलिकुलर फार्मूला C5H12 का जो आइसोमेरिक एल्केन है, जब आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाया, तो ये वाला कितना दे रहा है, तीन, ये वाला कितना दे रहा है, चार, और ये वाला कितना दे रहा है, एक। तो ये था आपका क्वेश्चन कि इसमें से कौन मोनोक्लोराइड दे रहा है, कौन सा थ्री आइसोमेरिक क्लोराइड दे रहा है और कौन सा चार आइसोमेरिक क्लोराइड दे रहा है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, जहाँ पास डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखें अगर हम लोग, तो नेक्स्ट आपका प्रिपरेशन का लास्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट का मैं बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10.5। क्वेश्चन नंबर 10.5 बोला है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्या, मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट, मेजर मोनो हेलो क्या प्रोडक्ट, ठीक, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इन ईच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है ना, जिसमें पहला है आपका ये हेक्सा कार्बन की रिंग दी हुई है, यहाँ पास ये रहा OH लगा है, प्लस यहाँ पास किससे रिएक्शन करा है, SOCl2 से, चलो भैया ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड है यहाँ पास क्या है, ये रहा आपका NO2 ग्रुप, ठीक है, क्या है आपका NO2 ग्रुप है, और यहाँ पास ये क्या लगा है, CH2Cl, क्या CH2CH3 लगा है बेटा, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराया है, ब्रोमिनेशन कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है भैया। तीसरा क्वेश्चन देख लो, पहले लिख लेते हैं सब लोग, एक एक करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये देखो बेटा, ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पास इस तरीके से दिया है, यहाँ OH लगा हुआ है और यहाँ पास ये क्या है, CH2OH है, तो मेजर प्रोडक्ट लिखना है, ध्यान रखिएगा, HCl लिया है और यहाँ पास हीट कर दिया है, ठीक है, कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पास फिर तीसरे के बाद चौथा दे रखा है, चौथा क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, एक बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड लगा है, CH3 लगा है, और किससे रिएक्शन कराया है, HI से, तो यहाँ पास लगा देना मार्कोनिफ रूल। पांचवा देखो, पांचवा अगर हम लोग बात करेंगे तो पांचवे में आपके पास है CH3 CH2, ठीक है, फिर है आपका BR और फिर NAI से रिएक्शन करा देना। यहाँ पास बेटा तुम लगा दोगे कौन सा, आपका हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये देखो नेक्स्ट है आपका इस तरीके से, ये रहा ब्रोमिनेशन, और ब्रोमिनेशन में हम लोग क्या करा देंगे, हीट करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो यहाँ पास ये देखो डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स बनाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन किसका, NCERT का 10.4, क्या चीज़ बेटा, 10.5 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर हम लोग 10.5 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो 10.5 क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से क्या बोला था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब सिंपल तुम्हें रिएक्शन दे रखा है और रिएक्शन के बाद तुमसे क्या पूछा है, मेन प्रोडक्ट पूछ लिया है, क्या पूछा है बेटा, मेन प्रोडक्ट। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पास मेन प्रोडक्ट लिखेंगे तो देखो पहला एल्कोहल है, और एल्कोहल का किससे रिएक्शन कराया है, एल्कोहल का रिएक्शन कराया है किससे बेटा, SOCl2 से। मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ, एक मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, मेरे से मैच कराइएगा, ठीक है ना, मैच कराइए बेटा, एक मिनट दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक, चलिए। जल्दी से कर लीजिए बेटा, प्रिपरेशन के क्वेश्चन हैं, ठीक है, और आप क्वेश्चन करके हमें बताइए।
और मैच कराइएगा साथ में। मेजर प्रोडक्ट लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें माइनर प्रोडक्ट नहीं होगा। जल्दी कर लीजिए बेटा, तो मैच करा लीजिएगा। थोड़ा सा जल्दी करिए, टाइम जा रहा है। इसकी शीट भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है।